बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूँ अमजद अली और आप लोग देख रहे हो फवाद इलाका 777। तो आज मैं यूनिक चीज़ की रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे रिव्यू होगा, तो आप लोगों को चेक कराते हैं। स्कूटी C1 EV C1 एयर की रिव्यू होगी इंशाल्लाह आज। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट हम लोग शुरू कर लेते हैं इसके कलर से। इसका कलर जो है ना, ये मेट ब्लैक में आ रहे हैं और इसके साथ ये सिल्वर कलर में, इसके साथ और रेड में ये भी टच दिया हुआ है और बैक ग्रिल पे भी यही टच दिया हुआ सिल्वर का। और इसमें फ्रंट मिरर लगे हुए, इसमें भी सिल्वर का टच दिया हुआ है। और फ्रंट पे इसमें लाइट है और जो ईवी का मोनोग्राम है उसमें से ये लाइट ऑन होता है। और बैक लाइट जो है ना, इसमें भी ईवी का मोनोग्राम दिया हुआ है और नीचे शुरू वाले ने अपना नंबर प्लेट लगाया हुआ है। और इसके नीचे लाइट दी हुई है, ये ऑन भी होती है लाइट, ये लाइट दी हुई है बैक पे नंबर प्लेट के लिए। और ये भी ईवी का लॉगो का लाइट दिया हुआ हुआ है। इसकी डिगी चेक करा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये चाबी से ओपन होती है और ये इसमें चार्जर है, ये ब्रेकर है, इसमें ऑन ऑफ होते हैं। तो ये चार्जर दिया हुआ हुआ है, ये 72 वाट 6 एम्पेयर का। तो ये बहुत अच्छा चार्जर है। और इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना, इसका केबल भी लंबा है और हर जगह पे घर में जिधर भी साकट लगा हुआ है, जिधर भी कोई साकट लगा हुआ उसमें आप दे सकते हो। ये देखो सिंपल सा प्लग है, जिधर भी लगा हुआ है ये जगह है, यहाँ पे ये चार्ज लगती है। ये देखे नीचे दिया हुआ है, तो ये इसमें लगा के और ये फर्दर आगे आप लगा सकते हो कि जो भी साकेट है घर में आप उसमें लगा सकते हैं। और इसमें ये लाइट भी दी हुई है रेड कलर में, रिफ्लेक्शन लाइट, और इसके साथ ही येलो में दिया हुआ हुआ है। और सारा कलर जो है ना मेड ब्लैक और सिल्वर में ये कलर, और ये सबसे प्यारा कलर यही है और मुझे खुद यही पसंद आ गया, तो मैंने इसको खरीद लिया इसी कलर में। तो सुने के सिल्वर कलर में, लेकिन वो मेरा अभी तक चेक नहीं किया सिल्वर कलर इसका, लेकिन मेड ब्लैक में मैंने ये देखा और मुझे पसंद आ गया। और इसमें ये स्विच दिया हुआ हुआ है और उसके साथ रिमोट है, और ये स्विच ऑन करके ये इसमें लाइट ऑन हो जाती है, अभी ये स्टार्ट होगी। और डिजिटल मीटर दिया हुआ हुआ है और ये इसमें एक सिलेक्टर है, और ये फ्रंट ब्रेक है, ये बैक ब्रेक है इसके साथ आप। और यहाँ से ये गियर मोड चेंज होते हैं, एस से 4 गियर होते हैं, 1 2 3 4 1। और ये हॉर्न है, और ये जो टूल का वो बटन दिया हुआ है, इससे मीटर का सेटिंग होता है। और ये पार्किंग है, और ये मेन लाइट है, और इसमें किलोमीटर बता दे कि कितनी किलोमीटर गाड़ी चली है, बैटरी का निशान देते हैं, और इससे स्पीड है, और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, और ये गियर, ये लाइट, डिजिटल मीटर में सब कुछ दे रहे हैं। और इस साइड पे आ जाए ये इशारे ब्रेक और राइट लेफ्ट वाले, और ये डीम फ्लो लाइट है, और ये हॉर्न है, और ये रिवर्स है, रिवर्स दबा के फिर पीछे चलते हैं। और ये जो है डबल इंडिकेटर है। और फ्रंट पे ये बहुत खूबसूरत लाइट दी हुई है, ईवी का जो मोनोग्राम है, फ्रंट लाइट दिए हुए वो भी बहुत प्यारे लैंप दिए हुए हुए LED में। रिम का जो साइज़ है ये 12 इंच में है, और प्रोफाइल 3.0 है प्रोफाइल, और ट्यूबलेस टायर है। और बैक में भी 12 इंच का रिम है, और प्रोफाइल जो है ना 3.0 है, और इसका रिम जो है ना ये इसको कवर किया हुआ हुआ है ब्लैक से। और इसमें मेन बात जो है ना, पीछे दूसरा बंदा बैठने के लिए ये पेडल है, ये यहाँ पे बंदा पाँव रख सकते, ये दोनों साइडों पर दिया हुआ हुआ है। और बीच में भी ये प्लास्टिक रखा हुआ है, वे ईवी का मोनोग्राम है लिखा हुआ हुआ है। और ये चार्जिंग है, स्पेसिंग इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है। इसमें कपड़े, मोबाइल और ये चार्जिंग पोर्ट दिए हुआ हुआ है, ठीक है, इसमें मोबाइल चार्ज करके इसमें रख सकते हैं। ये फुल चार्ज पे 120 किलोमीटर करते हैं। इसमें मोटर लगा हुआ हुआ है 2000 वाट, और बैटरी जो है ना वो 72 वाट 35 एम्पेयर की बैटरी इसमें लगी हुई है, और बैटरी की 1 साल वारंटी और 5-6 साल तक चलती है अगर बंदा आराम से चलाए। बाकी भी इसमें काफ़ी बेहतर है, चलाने में बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। मैं जिस तरह बंदा 77 to 5 पे आ जाए, ठीक है, आपको जिस तरह 1 to 5 लगता है इसी तरह आप इस पे बैठ के 1 to 5 पे बैठ जाए, बिल्कुल आपको ये 70 लगेगा 1 to 5 इसके मुकाबले में। इतना आरामदेह कंफर्टेबल सफ़र है इसका, और इसका सफ़र का रिव्यू भी मैं चेक कराऊँगा। और इसका जो मेन फ़ायदा है ना रश में, ये रिवर्स गियर वाला, और ये जब भी आप इस पर बैठते हो ना, ये देखिए, अभी देखो ये पी में, ठीक है, पी में से अभी मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको ब्रेक को होल्ड कर लेता हूँ,
ये स्टार्ट मोड में आ गया। अब सिर्फ मैंने एक साथ एक सिलेक्टर देने और एस आर वाला बटन दबाने और ये पीछे जाना पीछे शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। हम लोगों ने फिर आगे जाने तो सिर्फ एक्सेलेरेटर देने और यहाँ से ब्रेक लेने और बहुत आराम दे सफ़र है इसका। मैं आप लोगों को चेक भी करा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये जितना मर्जी तेज़ चलाएं और बहुत मज़े का सफ़र है। और चार्जिंग मेरे ख्याल में ये कंपनी वाले वो कर रहे कि 4 to 5 hours है, लेकिन नहीं, 7 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, 7 to 8 hours में फुल चार्ज हो जाता है। और 120 किलोमीटर भी 4 gear में नहीं करते, वो करते सेकेंड और फर्स्ट में शायद कर दे 120। तो अभी मैं आगे ले जाता हूँ और इसका ये लाइट है, लाइट का वो भी मैं दे देता हूँ। फुल लाइट है और ये डीम लाइट है, ये फुल, ये डीम, ये फुल, ये डीम। तो ये फुल इंडिकेटर है, इसमें डबल साइड से कितना प्यारा लगते हैं। और पीछे से भी ये डबल लंबे उसमें वो ग्रीन में दिया हुआ है। ये सिंगल स्टैंड है, ठीक है, सिंगल स्टैंड पे डायरेक्ट भी आ जाते हैं और इसमें डबल स्टैंड भी दिया, आप डबल स्टैंड पे भी खड़ा कर सकते हैं। ये देखें डबल स्टैंड पे खड़ा हो गया। और ये लाइटों का वो LED चेक करे वर्टिकल में दिए हुए हैं, ये साइड भी और डबल इंडिकेटर पे भी ये ऑन हो जाते हैं। देखो 1 2 3 4 लाइट्स इसमें लगे हुए, 4 उसमें लगे हुए, इसी तरह फ्रंट में भी इंडिकेटर दिए हुए हैं। फ्रंट पे ये इसमें फूल दिया हुआ है, इसमें लाइट भी है, LED में सेंटर में दिए हुए हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो बहुत 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 पसंद आ गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप भी लोग भी लेना चाहते हैं ले, ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आप लोग ले सकते हैं इसको। और दूसरी बात यह ना, और इसका प्राइस जो है सबसे लेटेस्ट मॉडल है और इसका प्राइस जो है ना वो 3 lakhs है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के 170, 96,000 तो उसमें भी, और वो 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर 90 किलोमीटर रेंज होती है उसकी। और इसकी 120 मोटर टायर हर चीज़ इसकी बड़ी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैं परसों लाया था, मैंने कहा पहले मैं खुद चेक कर लेता हूँ सही चीज़ है नहीं, ये फिर मैं रिव्यू देगा, इसलिए मैंने कल रिव्यू नहीं दिया। क्योंकि मैंने कहा मैं पहले खुद चेक कर लो, तजुर्बा कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो। तो मैंने चला लिया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, चलाने में बहुत अच्छी है, बिल्कुल सॉफ्ट है और पायदार भी बहुत है। और सबसे मेन जो पीछे बंदा बैठता उसे जो टेक दिया हुआ है ना, ये बहुत मज़े की चीज़ है। इसमें बंदा टेक लगा के बड़ा कंफर्टेबल होते हैं बैक वाला बंदा। और इस पे 3 बंदे, 2 बंदे तो आराम से आते हैं लेकिन एक और बंदा भी इसके ऊपर आ सकता है। कंपनी वाले क्लेम करते हैं कि 1 charge पे, मतलब 1 charge पे 120 किलोमीटर चलती है, लेकिन 120 किलोमीटर नहीं चलती है। 2 बंदे बैठ जाए 4 gear में चलाए तो फिर ये देते हैं 80 किलोमीटर, अगर सेकंड फर्स्ट में तो फिर 120 दे देते हैं। और जितना चार्जिंग फुल होगा तो ये 70 तक जाएगा, जितना इसका बैटरी का वो कम होगा तो इसका स्पीड भी कम होता जाएगा। अब ये बैटरी देखिए फुल है, ये मैंने परसों से फुल कराई है और चलाई है गाड़ी, ठीक है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये 80 किलोमीटर और फर्स्ट सेकंड पे 120 किलोमीटर दे देते हैं। और ये मैं कर रहा हूँ डबल बंदे की बात, जब इस पर डबल बंदे बैठ जाए तो चीज़ बहुत मज़े की बनाई हुई ईवालों ने। और ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है, इसमें 3 मॉडल है। फर्स्ट जो आया हुआ है वो EVC1 है और दूसरा जो है EVC1 Pro है, और जो लेटेस्ट मॉडल है ये वाला, ये EVC1 Air है। तो इससे लेटेस्ट मॉडल अभी तक नहीं आया हुआ है और इसकी कीमत जो है ना 3 lakh है। और बहुत अच्छी चीज़ है, 3 lakh के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज कल पेट्रोल कितना महंगा है, महंगाई कितनी होगी, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं पेट्रोल। तो इससे ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कम कीमत वाली भी है, जिस तरह EVC1 हो गया, ठीक है, उसका कीमत कम है, EVC Pro का इससे भी कीमत कम है, सबसे महंगी यही है। तो हर बंदा इंशाल्लाह 70 के मुकाबले में तो ये 40 कर सकते हैं, 70 के मुकाबले में एक ही आता है। आजकल 70 मोटरसाइकिल भी, चाइना मोटरसाइकिल भी 120, 130 से ऊपर हो गए। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, 72,000-17,000 किलोमीटर भी चले ना ये गाड़ी तो बैटरी का खर्चा निकल आते हैं, ठीक है, बंदा बड़ा फ़ायदे में रहता है, अपना कीमत पूरा कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बंदा केयर के साथ चलाए, केयर करे इसका, तो मतलब खुद मुझे बहुत पसंद आ गया है ये EV। तो अभी चलाते हैं हम लोग, अपना ये 125 खड़ा हुआ है बस, इसके ऊपर ये चेक करा दें, अभी तक किसी तरह खड़ा हुआ है, इसके ऊपर बैठना हुआ है, 70 खड़ा हुआ है, कोई वो नहीं है।
जब से ही आया हुआ है पास 24 घंटे इसी के ऊपर, इसके ऊपर अभी मैं कपड़े इमरजेंसी के लिए रखा हुआ, बंदा किधर मरी जाते कोई और काम हो इसके ऊपर मैं कपड़ा डाल के साइड पे खड़ा कर दूंगा, तो यही चलाएंगे। तो ये मेरा भी बिल्कुल जो कहते हैं ना फेवरेट होगी ये EV C1 Air, तो बस इसको ही चलाएंगे, इसको ही मंगाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी इसको लेना चाहते हो, मैंने जहाँ से लिया हुआ है वो एड्रेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शायद अगर आप लोगों को भी दिल करते लेने का तो आप लोग जी में बता देता हूँ। ये पीछे नंबर प्लेट ईवी वालों का लगाया होता है, लेकिन शुरू ने अपना वाला लगाया हुआ है, शयान बुखारी मोटर्स, नियर बेरियल 3, रशीद मेनाज रोड, अहमद नगर, शकरी। तो ये उसके मोबाइल नंबर है, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग अपने साथ सेव कर लें। तो आपको ये इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, और इसका लोकेशन भी बहुत आसान है, मेरे घर के सामने ही है, अहमद नगर रोड के अपोजिट है, तो आप लोग उधर जा सकते हो, देख सकते हो, उसके पास काफ़ी मॉडल खड़े हुए हुए हैं, तो हर किस्म का स्कूटी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये रिव्यू थी आज इस बाइक की, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आई होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।